ઐતિહાસિક જીત બાદ સી આર પાટીલે કમલમ ખાતે પત્રકાર પરિષદને સંબોધી હતી અને નરેન્દ્રભાઈનો ભૂપેન્દ્રભાઈએ રેકોર્ડ તોડ્યો હોવાની જાહેરાત કરી હતી. તેમણે તમામનો આભાર વ્યક્ત કરીને કહ્યું હતું કે કોંગ્રેસને જ અમે વિરોધ પક્ષ માનીએ, બીજા પક્ષના નથી માનતા. તેમણે આપ પર પણ પ્રહાર કર્યા હતા, તેમજ આપને કૌભાંડકારી ગણાવી હતી. આ પ્રસંગે ઉપસ્થિત મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલે ગુજરાતના લોકોને નરેન્દ્રભાઈ અપાર વિશ્વાસ હોવાનો ઉલ્લેખ કર્યો હતો. ગુજરાતની જનતાએ દોષદ્રોહીને નકાર્યા હોવાની કહીને આડકતરી રીતે આપ પર પ્રહાર કર્યા હતા. જૂઠા લાભ આપવાવાળાને ઠગોને નકાર્યા છે તેમ કહીને વિરોધીઓને ટોણો માર્યો હતો. જીતનું કારણ અમિત શાહ અને નરેન્દ્ર મોદીના માર્ગદર્શનને ગણાવ્યું હતું. તો બીજી તરફ પાટીલે 12મી ડિસેમ્બરે વિધાનસભાની પાછળના હેલિપેડ ખાતે શપથવિધિ કરવાની જાહેરાત કરી હતી. जीत के लिए भाजपा के एक एक कार्यकर्ता को जितना धन्यवाद और बधाई दी जाए वो कम है. भाजपा की जीत के पीछे कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत, पूरी लगन और संकल्प है. भाजपा का हर एक कार्यकर्ता जन सेवा के लिए भाजपा का प्रमुख सिपाही बना है, न किसी पद, प्रतिष्ठा या लाभ के लिए. भाजपा के इस जनाधार को श्री नरेंद्र भाई से हमारे समर्पित नेतृत्व ने बनाया है और इसे बचाए रखना अब हमारा कर्तव्य है. भाजपा का ध्येय जनता का विश्वास बनाए रखना है. हमारा संकल्प जन कल्याण है. पंडित दीनदयाल उपाध्याय, श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्रद्धे अटल जी और अब वैश्विक नेता श्री नरेंद्र भाई के चिन्हों पर चलकर सेवा ही साधना हमारा मंत्र है. इस चुनाव में हमारी जीत का एक कारण हमारे लोकप्रिय और वैश्विक नेता आदरणीय नरेंद्र भाई और यशस्वी गृह मंत्री श्री अमित भाई शाह साहब का निरंतर मार्गदर्शन भी है. वे एक आम कार्यकर्ता की तरह हमारे साथ रहे, लगातार हमारा मार्गदर्शन किया. इसके लिए आदरणीय श्री अमित भाई जी को विशेष धन्यवाद देना चाहूंगा. उन्होंने हमारे छोटी बातों का ध्यान रखा और वे हमारे साथ चले और हमें निरंतर प्रेरित करते हैं. गुजरात के हित और गुजरात के सातत्यपूर्ण विकास के लिए, गुजरात और राष्ट्र को सुरक्षित रखने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पर पुनः एक बार दृढ़ विश्वास रखा है. इस भरोसे को बनाए रखना, इस भरोसे को और मजबूत करना यह हमारी जिम्मेदारी है. सत्ता प्राप्ति के बाद सत्ता को माध्यम बनाकर लोगों की सेवा और कल्याण करने की परंपरा भाजपा और भारतीय जनता पार्टी के चुने हुए जनप्रतिनिधि निभाएंगे, ऐसा विश्वास हम गुजरात के करोड़ों मतदाता भाई बहनों को देते हैं. उन्हें एक बार सभी का हृदय से धन्यवाद करता हूँ. साथ में सरकार की मुख्यमंत्री की शपथ विधि का समारोह 12 दिसंबर को 2 बजे गांधीनगर विधानसभा के पीछे हेलीपैड ग्राउंड पर होगा और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब भी उस शपथ विधि में शरीक होंगे.